कपड़े तो बहुत ज्यादा ही महंगे हैं, और तुम्हारे जैसे फल फ्रूट खाने का आइटम है वो थोड़ा इधर। 1199 मारती है, बाकी डिस्काउंट। और ये हमारे भोलेनाथ, ये जूता जो है ये बोल रहे भाई 1100 का। हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, आप लोगों को पता है कि मैं ऋषिकेश में हूँ और हम इधर थोड़ा शॉपिंग करने वाला हूँ, तो देखता है कैसा है क्या है प्राइस इधर का, तो आप लोगों को पूरा बताएंगे और थोड़ा सैर करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे मार्केट का भी। और बहुत टाइम से ऋषिकेश में घूमे नहीं, घूमेंगे। और जो मैंने पहले वीडियो डाले वो आपने देखा होगा, हम रामझूला गए थे, तो अभी हम जाएंगे शॉपिंग करने, चलते हैं सीधा और बताते हैं आप लोगों को। तो गाइस, ये मेरा दोस्त है विपिन, ये जो कि आज आया इधर, और देख सकते हैं पीछे का माहौल कुछ ऐसा है भाई ऋषिकेश का। इधर का नाम है क्या है भाई, इधर का नाम क्या है? ढाल वाला। हाँ, ये जगह का नाम है ढाल वाला, और यहाँ कुछ ऐसा है पूरा जैसे गांव टाइप पे भाई ऐसी है। तो गाइस, अभी हम रिक्शे पे बैठ रहे हैं, कहाँ जाना है? त्रिवेणी घाट। तो गाइस, हम अभी जा रहे हैं त्रिवेणी घाट, तो वहाँ जाएंगे, वहाँ हम शॉपिंग करेंगे अच्छे से, और देखते हैं क्या प्राइस है भाई इधर कपड़ों का। कितना टाइम लगेगा? तो 5 मिनट लगेगा भाई जाते जाते, तो 10 रुपये किराया है पर पर्सन का, तो बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है। गाइस, फाइनली हम पहुंच गए हैं, और तो ये देखिए भाई, यहाँ से नीचे एक रास्ता है, यहाँ पे लिखा है महाराज अग्रसन, क्या लिखा है पता नहीं, साफ साफ पढ़ाई नहीं जा रहा भाई। और कुछ ऐसा यहाँ पे मेन रोड, यहाँ की मेन रोड है, बहुत पब्लिक है यार। तो गाइस, अभी हम यहाँ पे जूस पे रहे भाई, गन्ने का जूस जो कि इधर बहुत फेमस है इंडिया में। भाई कितने गिलास है? 20 रुपये का। तो यार 20 रुपये का एक गिलास है, और हम 3 गिलास मंगा रहे हैं। तो भाई जूस आ गया है देखिए, और पहले बता ना क्या ये वाला 10 का गिलास मिलता था, आजकल 20 का मिल रहा है। तो ये भाई हमारा पे कर रहा है पैसा, और अभी हम गन्ने का जूस पी लिया है। तो भाई ये देखिए त्रिवेणी घाट का मेन मार्केट जो कि हम अंदर को आ गए हैं, और यहाँ पे लगे कुछ ऐसे कपड़े वपड़े लगे हैं भाई, देख सकते, और देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है इधर शाम को, तो अभी हम जा ही रहे आगे। तो भाई हम आ गए अभी यहाँ दुकान पे, और यहाँ है हम लेंगे यहाँ से थोड़ा बहुत कपड़े पैंट जो भी है एक दो। दुकानदार पता नहीं किधर है, हम अंदर घुस गए हैं। कुछ ऐसी पैंट है देख सकते आप लोग, तो ले लूँगा मैं लूँगा एक पैंट अभी, देखेंगे क्या प्राइस है भाई इनका। भाई जी कितना है प्राइस? 1199 मारती है, बाकी डिस्काउंट बहुत महंगा पड़ता है, थोड़ा सही लग रहा है, पहले आप छाटो। तो भाई ये पैंट लिए जो कि भैया अभी 800 बोल है, 950 के थे, तो अभी 800 तक कराया। तो गाइस ये पैंट ले रहा हूँ अभी, देखिए ऐसी कुछ है, और काफ़ी महंगा लग रहा है, फिर देखेंगे बात करते कितना लगाते हैं। तो गाइस 800 का तक मिल रहा है यार, 800 में दे रहे हैं हम लोग, 800 रुपये पे करेंगे, और 900 बोल रहे थे, तो अभी 800 में आ गए, काफ़ी महंगा पड़ गया है, तो हम ऑनलाइन पे करेंगे अभी यहाँ पे। देखिए भाई ओके, ये जूता जो है ये बोल रहे भाई 1100 का। तो गाइस ये ऐसा मार्केट है, यहाँ पूरा मंदिर का ज्यादा सामान मिलता है, माला मूर्ति।
67.8। तो यार 67 किलो है मेरा वजन, 58 किलो का भाई इसका शरीर देखो, 58 किलो का ही। 27। तो यार और रुपये में वजन नापा जा रहा भाई। चलो ठीक है भैया, रख लो। तो यार ये जो कहने हैं इन पे रहते हैं गंगा जल, जो कि लोग अपने घर पे ले जा सकते हैं। देखिए ये है ऋषिकेश की बहुत फेमस जगह त्रिमणि घाट। देखिए ये गंगा जी, यहाँ लोग नहाते हैं, सब जाते नहाने। और यहाँ पे जो ये लगी है ना संगल लगी है, जो नहाते ये पकड़ के जाते नीचे, नहीं तो पता लगता है बहुत ज़्यादा गहरा हो सकता है। वो देख सकते हैं सेफ्टी के साथ जाना पड़ता है यार इधर, और मैं अभी जा नहीं सकता यार, मैंने जूते पहने को जींस ला रखी है, तो इस वजह से मैं नहीं जा सकता। और हमारे बिपिन भाई जा रहे हैं अभी वहाँ। देखिए तो ऋषिकेश में पाप धोने आ जाओ, ये लो तुम्हारा पाप मैं धो देता हूँ। तो बस सर भाई कितना ठंडा पानी, बहुत ठंडा है गाइस। यहाँ पे ज्यादा गहरा नहीं है ना। डेढ़ सौ में 2 किलो अंगूर लो। कितना? 150 का 2 किलो। डेढ़ सौ में 2 किलो, 200 रुपए की 4 किलो, 100 रुपए की 1.5 किलो, 100 रुपए की 1.5 किलो अंगूर लो, बढ़िया वाला अंगूर। चल नहीं आ रहा। आलू 10 रुपए किलो, आलू 10 रुपए किलो भैया, बहुत सस्ता है क्या बात। चलिए गाइस देखे यहाँ पे 5 की मिर्च करो, 5 का धनिया, 10 का अदरक, 1 के आलू पहाड़ी आलू है की आलू आता पंजाब का। प्याज कैसे दे रहे भैया? 25 रुपए किलो। टमाटर 25, 30, 25, ये क्या है? 1 किलो 30 का 50 का ये क्या? ये कितने के? 100 रुपए की। किलो है टमाटर, 2 किलो प्याज में आता। तो गाइस फाइनली मैं रूम पे पहुंच गया यार, और मैं बता दूं यार आप लोगों को कि काफ़ी महंगा लगा मेरे को सामान यार, बहुत ज़्यादा महंगा लगा, क्योंकि इधर ऋषिकेश में तो बहुत ज़्यादा महंगा है, कपड़े तो बहुत ज़्यादा ही महंगे हैं, और तुम्हारे जैसे फल फ्रूट खाने का आइटम है वो थोड़ा इधर सस्ता है, और कपड़े इधर काफ़ी महंगे यार, बहुत ज़्यादा महंगे, कंपेयर करें देहरादून या किसी और सिटी से तो इधर बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा आप लोगों को। मैंने फर्स्ट टाइम इधर शॉपिंग की तो यार पता लगा, और मैंने 2 पैंट ली, 2 टी शर्ट ली, और ऐसे मैंने जूते लिए, चप्पल भी लिए, मतलब मैंने इतना सारा आइटम लिया। पर भाई मेरा जूता जो है, मैंने आप लोगों को बताया कितना प्राइस है, वो आप लोग भी दे सकते हो, और इतना ज़्यादा महंगा पड़ा ना मेरे को, मैं दोबारा कभी ऋषिकेश में शॉपिंग नहीं करूँगा यार। और घूमने की बात करें तो घूमने में काफ़ी मज़ा आया ऋषिकेश में, तो काफ़ी इन्जॉय किया। और वहाँ जहाँ मैं गया था या त्रिवेणी घाट में, मैं वहाँ का बता दूँ आप लोगों को, वहाँ वो भी काफ़ी पॉपुलर जगह है ऋषिकेश की, क्योंकि रात को वहाँ शाम के टाइम वहाँ जब आरती होती तो काफ़ी सारे लोग आते हैं। उस टाइम हम वहाँ पे नहीं रह पाए, आप लोगों को नहीं दिखाए, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ज़रूर दिखाएंगे। तो काफ़ी सारी पब्लिक रहती है, बहुत सारी भीड़ रहती है, तो क्योंकि मेरा दोस्त बोल रहा था कि वहाँ पर ऐसा कुछ होता है, मेरे को भी नहीं था पता उधर के बारे में। तो गाइस आप लोगों को कैसे लगी वीडियो यार कमेंट में बताएं, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, तो
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा।